थाना क्षेत्र रेसा के गोदरी निवासी 25 वर्षीय बीनू देवी पत्नी सदाराम के बीते सोमवार की आधी रात सीएचसी रेसा लाया गया। विवाहिता के कपड़े व एक हाथ हल्का जला हुआ था। डॉक्टरों ने उसका इलाज किया जिसके बाद उसकी हालत सामान्य हुई। पीड़िता ने बताया उसकी जेठानी व सास ससुर ने उसे पहले मारा पीटा फिर जलाने की कोशिश में आग लगा दी। किसी तरह से आग को बुझाया गया। तब तक सूचना पाकर मायके वाले पहुंच गए। उन्होंने सीएचसी में उसे भर्ती कराया। पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। पिता संत लाल निवासी ग्राम ओरा ने बेटी के ससुराली जनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सीएचसी रेसा के डॉक्टर अनूप पांडे ने बताया जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसका एक हाथ हल्का जला हुआ था। प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष रेसा सत्येंद्र कुमार राय ने बताया रात में सूचना मिलने पर महिला को अस्पताल लाया गया। दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया। मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। फोटो में यहाँ हमारे बड़ा लग तब बुढ़ाऊ पकड़ ले रहे हमका बुढ़ाऊ पकड़ ले पकड़ रहे हैं मारे ला सबको मुक्कन मुक्कन मारे सबको ग्वाड़न हाथन सबको मारे न हमका बहुत हमका मारने है लटानी हमारे सास हमारी वही कहे फूक दे फूक जाओ सब निपट जाए बैरा के तब सब पर जान पान गांव के जो नदौरी में होते सब फूक देबे करते हैं मेरे बिटिया का यहाँ क्या नाम लड़की का आप करे बीनू शादी को धनी में यहाँ भाई धनी राम के लड़का का एक महिला लाई गई है बीनू पत्नी सवारा उम्र 25 वर्ष है। ये 108 द्वारा लाई गई है और ये जो है हाथ में जलने की शिकायत कर रही है। हल्का सा उसमें है भी जला भी है हाथ भी है तो उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जैसा वो लोग चाहेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया।